हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और जैसे आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले पार्ट नंबर टू, मतलब जो हमारा फ्लैट स्लैब का वीडियो है उसको कंटिन्यू करने वाले और एंड करने वाले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ शेयर स्ट्रेस के बारे में, मिडल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप में जो भी रेनफोर्समेंट है उसके बारे में बताऊंगा। बाद में हम रेनफोर्समेंट डिटेलिंग बताएंगे। तो हमारा इतना ही बचा है, ठीक है। सॉरी ये वीडियो डिले हुआ बिकॉज ऑफ मेरी एग्जामिनेशन। नाउ जो बैकग्राउंड नॉइज है उसके लिए आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि हमने ये वीडियो एंड किया था थिकनेस ऑफ स्लैब रिक्वायर्ड इन मिडल स्ट्रिप, ठीक है। मतलब मिडल स्ट्रिप में हमको कितने थिकनेस चाहिए उसके ऊपर मैंने उसका डेप्थ एंड थिकनेस, मतलब थिकनेस आपको बता दिया था कि हमें 150 ओवरऑल डेप्थ चाहिए, ओके। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उनके जो फ्लैट स्लैब है उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। डेक होता है, कॉलम जिसको हम कॉलम भी, ये जो कॉलम कॉलम कैपिटल बोलते हैं वो भी मैंने आपको सबको बता दिया था। नाउ अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जो हमारी है स्टेप नंबर आई थिंक 5 है शायद, ओके स्टेप नंबर 5, ओके। सो स्टेप नंबर 5 में हम बात करेंगे चेक फॉर शेयर स्ट्रेसेस के बारे में। सो अभी हम चेक फॉर शेयर स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे जिसका यूज करके हम निकालेंगे कि एक्चुअल परमिसिबल लिमिट कितनी है, मतलब जो हमारी जो मतलब जो स्ट्रेसेस है विद इन सेफ है या नहीं है वो पहले निकालेंगे, ठीक है। सो शेयर स्ट्रेस इज चेक नियर द कॉलम हेड एट सेक्शन D+D, मतलब जो कॉलम हेड जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, उसके पास हम सबसे पहले चेक करेंगे। मतलब शेयर स्ट्रेस इज चेक नियर द कॉलम हेड एट सेक्शन D+d। डी मतलब आपका टोटल डेप्थ प्लस स्मॉल डेप्थ, ठीक है। तो ये दोनों डेप्थ, इन दोनों डेप्थ का जो कॉम्बिनेशन है वहां पे हम सबसे पहले शेयर स्ट्रेस चेक करेंगे, ओके। तो ये किस तरीके से होते हैं सबसे पहले आपको बताता हूं मैं। तो द टोटल अमाउंट, टोटल लोड ऑन सर्कुलर एरिया विथ D+d, मतलब जो स्लैब की थिकनेस है, एज डायमीटर इज गिवन बाय हाउ W1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू D+d² इंटू W, ओके। तो आपको बस इसमें निकालना है, ओके, W1, तो पाई बाय 4 इंटू हमारा टोटल डेप्थ कितना है हमारा 1.5 प्लस स्मॉल डी कितना है आपका 0.71 जो मैंने सॉरी 17 है, ओके, जो थिकनेस की बात कर रहे हैं 17, आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, मल्टीप्लाई बाय 15, ओके, इज इक्वल टू 33 kN व्हिच इज इक्वल टू W1 वी गेट। नाउ शेयर फोर्स इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस लोड ऑन सर्कुलर एरिया, ओके। सो द टोटल लोड इज हाउ मच 15 इंटू सिक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 507 kN। इस टोटल लोड के लिए भी आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, 6x6 ये हमारी मिडल स्ट्रिप थी और 15 जो था वो आपको वहां पे मिल जाएगा W जो हमने निकाला, ठीक है। सो 507 ये हमें मिल गया शेयर फोर्स। नाउ अभी हमें शेयर फोर्स पर मीटर ऑफ पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो, शेयर फोर्स पर मीटर ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू
VU. Okay, so VU is nothing but कैसा रहेगा इसका फार्मूला है 507 divided by pi d plus small d is equals to इसमें पूरी वैल्यू भर देंगे 507 pi 1.5 plus 0.17. आप इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पे मैंने निकाल के दिया है. ओके, सो व्यू जो हमारा आ रहा है इज नथिंग बट इक्वल्स टू 97 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, ये आपको मिल गया व्यू. नाउ अभी हम निकालेंगे शेयर स्ट्रेस. शेयर स्ट्रेस में सबसे पहले हम निकालेंगे टाउ वी, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी अपॉन बी इन टू डी. ठीक है, तो वी यू अभी हमने लास्ट इसमें निकाला है. ओके, ये निकाला. ठीक है, तो वी यू अपॉन 10 रेस टू मतलब बी इन टू डी. बी की हम वैल्यू 1000 ले रहे हैं, इन टू डी हमें पता है एमएम में. तो ये हमें मिल गया 0.57 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. अभी एस कोड 456/2000 के हिसाब से, क्लॉज नंबर 31.6.3.1 के हिसाब से आपको परमिसिबल शेयर स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे. लेकिन अगर आप नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो रहते हैं, ठीक है, अगर परमिसिबल ओके आप निकाल लो, लेकिन आप नॉमिनल शेयर स्ट्रेसेस भी है वो अपन भी इस तरीके से निकाल सकते हैं. ठीक है, नाउ अभी हमें परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालना है. तो परमिसिबल स्ट्रेसेस के लिए फार्मूला है केएस इनटू टाउ सी. केएस मतलब फार्मूला उसका भी है 0.5 प्लस बीसी बीटा सी. बीटा सी मतलब क्या आता है, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ शॉर्ट साइड टू द लॉन्ग साइड ऑफ द कॉलम अपॉन कैपिटल. ठीक है, मतलब ये L1 और L2 जिसकी मैंने आपको बताया था, ये एक साइड है. ठीक है, तो ये L1 यहाँ से लेके इधर हो गया, L2 यहाँ से लेके इधर हो गया, कॉलम के सेंटर टू सेंटर से. राइट, ओके, तो हमारा 6/6 का स्पैन था. ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ कॉलम स्ट्रिप टू द कैपिटल स्ट्रिप. ठीक है, 6/6. ना उसके बाद आपको निकालना पड़े, तो ये जो केएस है तो उसमें 0.5 प्लस बीसी इज नथिंग बट 6/6 है, तो हमारा 1 आ गया. L1/L2 इज इक्वल्स टू, अभी देखो इसमें क्या होता है, आपका ये जो है केएस ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहना चाहिए. अगर आपका ग्रेटर देन 1 आता है तो आपको सिर्फ 1 ही लेना है. अगर ग्रेटर लेस देन 1 आता है देन आप उसको ले सकते हो. अगर 1 से ज्यादा आता है तो आपको 1 ही लेना है. ओके, अभी ये सारी चीजें हम इसमें पुट कर देंगे क्योंकि हमने टाउ सी निकाला है. आप निकाल सकते हो. ओके, अगर आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से निकाल रहे हो तो ये आएगा आपका 0.16 अंडर रूट ऑफ एफसीके आएगा. ठीक है, लेकिन आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से नहीं एलएसएम से कर रहे हो, एलएसएम से हम कर रहे हैं इसलिए आएगा 0.25 अंडर रूट एफसीके. ओके, तो ना इसमें वैल्यू भर देंगे तो हमारा टाउ भी है 1.12. Now, अभी आपको एक चीज करना है, आपका टाउ सी और टाउ वी में कंपैरिजन करना है. सबसे ज्यादा शेयर स्ट्रेसेस किस में है, टाउ सी में आ रहे, तो आपको टाउ वी एज अ क्या लेना है, आपको टाउ वी एज अ एक्चुअल शेयर स्ट्रेस लेना है. सो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं टी एक्चुअल शेयर स्ट्रेस ऑफ 0.57 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज विद इन द सेफ परमिसिबल लिमिट. ओके, विद इन द सेफ परमिसिबल लिमिट. ओके, नाउ अभी हम हमारे फाइनल स्टेप के तरफ जाएंगे जिसका नाम है स्टेप नंबर 6. ओके, और जो इस वीडियो की लास्ट है. ठीक है, स्टेप नंबर 6 जिसमें हम निकालेंगे कॉलम स्ट्रिप का रेनफोर्समेंट और मिडल स्ट्रिप का रेनफोर्समेंट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कॉलम स्ट्रिप रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम स्ट्रिप. ओके, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालना, मतलब जो हमारा एएसटी है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कॉलम में निगेटिव बेंडिंग, कॉलम स्ट्रिप में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है इसलिए वहां पे डेक प्रोवाइड किया गया. ओके, तो सबसे पहले हम एएसटी निकालेंगे. ओके, बिकॉज फॉर निगेटिव मोमेंट, ओके, इज कंप्यूटेड एस, किस तरीके से निकालेंगे, एम यू इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है 0.87 एफ वाई
एएसटी जो हमें निकालना है इनटू डी मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 1 माइनस एएसटी एफवाई डिवाइडेड बाय बी डी इनटू एफ सी के। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, तो अभी हमें एमयू तो पता है, हमारा एमयू कितना था 113 इनटू 10 रेस टू पावर 6 था, राइट, इज इक्वल्स टू 0.87। वैसे ही फैक्टर रखेंगे मल्टीप्लाई बाय एफवाई, हमारे हमने कितना यूज कर रहे हैं 415 स्टील यूज कर रहे हैं, एएसटी जो हमें निकालना है, ओके, डी हम यूज कर रहे हैं, डी हमारे हमारे पास है 170, ओके, एमएम मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एएसटी हमें निकालना है इनटू एफवाई 415 हम यूज कर रहे हैं डिवाइडेड बाय बी है हमारा 3000, ओके, डी है हमारा 170, हमने इसमें हाफ हाफ स्पैन के लिए लिया है, ठीक है, ओके, सो बी हमारा मतलब एक्चुअली कॉलम स्टेप में आधा जाता है, राइट, क्योंकि ये 3000 हमारी क्या आधा नहीं, ये 3000 जो है हमने स्टेप नंबर वन में मतलब पार्ट नंबर वन में 3000 कैसे आया, 3 मीटर कैसे आया है वहां पे बताया, प्लीज आप वो वीडियो देखिएगा जरूर, ओके, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये आया कैसे। ठीक है, तो बी ये कॉलम स्ट्रिप के लिए निकाल रहे, ठीक है, तो कॉलम स्ट्रिप में जैसे ये होता है, ठीक है, ये आपका स्लैब हो गया, तो यहां से इतना हो गया आपका कॉलम स्ट्रिप और ये हो गया आपका मिडल स्ट्रिप, ये कॉलम और ये मिडल, ठीक है, तो दो कॉलम स्ट्रिप है यहाँ पे और एक मिडल स्ट्रिप है। ठीक है, तो कॉलम स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है मतलब ये जो इतना जो है ये आपका 3 मीटर है, ओके, तो 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 170 डेप्थ है, ओके, क्योंकि कॉलम स्ट्रिप की जो डेप्थ वो हमारी ये आई थी, ओके, 170, ओके, इनटू हम एफसीके मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने जो सॉल्व किया है मेरा स्टील ऑफ मतलब कॉलम स्ट्रिप के लिए जो स्टील आया है वो आया हमारा 2000 mm स्क्वायर। ठीक है, तो 2000 mm स्क्वायर इतना मुझे स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा कॉलम स्ट्रिप में। ठीक है, अभी मैं स्टील पर मीटर निकालना चाहता हूँ, स्टील पर मीटर में निकालता हूँ तो मेरा निकलेगा 2000 mm स्क्वायर, अभी मेरे कितना मीटर है 3 मीटर बोला था तो डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये आएगा मेरा 667 mm स्क्वायर, मतलब हर मीटर में मुझे 667 मीटर इतना ये करना है। तो चलो मैं अडॉप्ट करता हूँ 16 mm के डायमीटर, ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अडॉप्ट 16 mm डायमीटर, ओके, बार एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ओके, सो उसके हिसाब से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मतलब मुझे जो आंसर मिलता है तो कितना मिलता है बताता हूँ आपको मैं, वो मिलता है मुझे AST equals to 670 mm square, ओके, उतना मुझे मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने निकाला negative bending moment के लिए, ओके, सो अभी ये जो निकाला है this is for negative bending moment at column strip, now अभी मैं निकालूंगा for positive bending moment, okay, so AST जो निकलेगा वो उसका फार्मूला ऐसे रहेगा, मतलब सेम ही फार्मूला रहेगा, ये जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है सेम रहेगा, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये अभी मैंने यहाँ पे 113 लिखा है, ठीक है, 113 लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं अलग मूवमेंट लिखूंगा, क्योंकि कॉलम स्ट्रिप में यहाँ पे मूवमेंट मेरा हाईएस्ट मूवमेंट इतना आया था। ठीक है, निगेटिव लोएस्ट मूवमेंट जो है मतलब हाईएस्ट मूवमेंट मेरा कॉलम स्ट्रिप पे इतना आया था, और लोएस्ट मूवमेंट जो आया था मेरा वो आया था हमारा 49%। अगर मैं आपको दिखाना तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ओके, आई थिंक वो यही कही होगा, हाँ देखो, निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जो था मेरा 49% 113 आया था कॉलम स्ट्रिप पे, और पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट मेरा 48 आया था। ठीक है, तो जब मिडल स्ट्रिप का निकालेंगे तो मैं सिर्फ 35 किलोन्यूटन यूज करूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट 49% के लिए तो निकाल लिया, लेकिन अभी मुझे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो फार्मूला मेरा सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज क्या होगी, सिर्फ मूवमेंट चेंज होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यह आएगा ऐसे 49 × 10^6 इज इक्वल टू, ओके, यस राइट, 10^6 इज इक्वल टू 0.87 × 415 × AST, ओके, मल्टीप्लाई बाय 120, ओके, क्योंकि वहां पे डेप्थ हमारी हुई थी चेंज, ओके, यहाँ पे 170 थी वहां पे 120 थी, ओके, इन ब्रैकेट 1 माइनस 415 AST डिवाइडेड बाय, उसकी भी लेंथ उतनी थी
ठीक है, मतलब उतने लेन के ही पॉजिटिव निगेटिव लिखा निकाले थे, तो उसके चेंज करने की जरूरत नहीं, इनटू 20 सिर्फ हमें 120 चेंज करना था, ओके, और मूवमेंट चेंज करना था। तो एएसटी मुझे जो मिला है वो मुझे आता है वैल्यू 1215 एमएम स्क्वायर। अगर मैं इसको पर मीटर निकालता हूँ, एएसटी पर मीटर अगर निकालता तो ये आता है 1215 बाय 3 इज इक्वल्स टू 405 ओके एमएम स्क्वायर पर मीटर। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ एमएम स्क्वायर पर मीटर, राइट। ठीक है ना, अभी हमारे पास मिडल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप का दोनों का है, तो अभी मैं क्या प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ प्रोवाइड, मैंने कैलकुलेशन किया है ये, प्रोवाइड 12 एमएम डाया ओके बार्स एट 250 एमएम सेंटर टू सेंटर निकालते हैं, तो हमें जो एएसटी पर मीटर मिलता है वो मिलता है 452 एमएम स्क्वायर। अब ये बोले एक निकाला कैसे, तो भाई साहब इसका सिंपल फार्मूला है, एएसटी इक्वल्स टू पाई बाय 4 ओके इनटू डी मतलब डायमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ बार आप निकाल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ बार आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है, तो आपको एएसटी मिल जाएगा। मतलब अभी मेरे पास 4405 एएसटी था, राइट, तो मैंने पाई बाय इक्वल्स टू पाई बाय 4 इनटू, ठीक है, नंबर ऑफ बार मान लो मैं कुछ डाला है, ठीक है, मतलब मान लो मैंने 5 बार डाले, ओके ओके, तो आपको डायमीटर मिल जाएगा, आप नंबर डाल दोनों में से एक चेंज करो, ओके, तो उसके हिसाब जो निकालने का निकालेंगे तो उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे। अभी मैं जो ये स्टील यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टील यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है इस स्टील से, ठीक है, तो ये कैसे आपको बताता हूँ मैं, ये इस तरीके से आया, मैंने जो 12 mm के डायमीटर लिए हैं, 12 mm के डायमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का यूज करके मैंने स्टील निकाला, ठीक है, नंबर ऑफ यूज करके, तो मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा किस तरीके से आते हो। ओके, नाउ अभी हम मिडल स्ट्रिप में निकालेंगे, देखो मिडल स्ट्रिप में निगेटिव एंड पॉजिटिव मूवमेंट दोनों क्या है, सेम है, ओके, तो उसका मूवमेंट कितना था 35, तो फार्मूला तो ये यूज होने वाला है, फार्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका डी एंड एम ही चेंज होगा। ठीक है, तो वहां पे मैं फिर से भर देता हूँ, आपको जैसे पता है पॉजिटिव एंड निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट एट स्ट्रिप में जो था वो था हमारा 35 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे होगा देखो, बेंडिंग मूवमेंट लिखा 35 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू 0.87 इंटू 415 एएसटी इंटू डेप्थ है हमारी 120, ओके, इंटू 1 माइनस 415 इंटू एएसटी डिवाइडेड बाय उसकी बिलन 3 मीटर थी 120 इंटू 20, तो इसके हिसाब से मुझे जो एएसटी मिलता है वो एएसटी मिलता है मुझे 850 एमएम स्क्वायर, ओके 850। नाउ अगर मैं एएसटी पर मीटर निकालता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 284 एमएम स्क्वायर पर मीटर। ठीक है, तो मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं 10 एमएम के बार डायमीटर एट 270 एमएम सेंटर टू सेंटर, तो उसके हिसाब से 10 एमएम के बार के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे एएसटी मिलता है 290 एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको किया है सॉल्व, ओके, तो यह यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल हो रहा है खत्म, बट अभी हमारा रेनफोर्समेंट डिटेलिंग जो है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 16 mm के डायमीटर कॉलम स्ट्रिप के लिए निगेटिव कॉलम स्ट्रिप के लिए यूज करने के लिए बोला, ठीक है, 12 mm के जो कॉलम जो डायमीटर है वो मैंने ड्यू टू निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए यूज कर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए यूज किया। ठीक है, ये जो 16 आपको यहाँ पे दिख रहे है इट ओनली बिकॉज निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट एट कॉलम स्ट्रिप, एंड दिस 12 mm एट द रेट ऑफ 270 जो दिख रहे वो बिकॉज पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट ओके एट कॉलम स्ट्रिप, ओके, और ये जो 10 जो दिख रहे ये दिख रहे आपको निगेटिव एंड पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट एट मिडल स्ट्रिप। ठीक है, तो ये जो है ये है आपकी कॉलम स्ट्रिप, ये दोनों, और ये है आपकी मिडल स्ट्रिप। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको इसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग बता देता हूँ।
ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया किस तरीके से मैंने इसका बेंडिंग मोमेंट निकाला, ये बहुत ईजी तरीका है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल थिकनेस जो थी वो थी हमारी 200 यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ठीक है, टोटल थिकनेस। बट ये कॉलम स्ट्रिप की थी, अगर मैं यहाँ तक की देखूँ तो इतना डिस्टेंस सिर्फ मेरा कितना था 50 था। तो यहाँ तक का मतलब सिर्फ कॉलम डेक तक का जो डिस्टेंस है मेरा वो है, मतलब कॉलम का मतलब सॉरी जो स्लैब का है वो है सिर्फ 150। ओके, तो ना उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो ये है मेरे सर्कुलर क्या है मतलब कॉलम कैपिटल है। ओके, तो ये कैपिटल हो गए। ओके, मतलब जो ये जो सपोज यहाँ पे डी देख रहे हो ये है सर्कुलर है। ओके, ये जो कॉलम हेड है आप यहाँ पे इसको कॉलम हेड को कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, इट्स नथिंग बट कॉल्ड एज अ डी सॉरी कॉलम हेड। ओके, तो यहाँ पे 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। ओके, अभी आप बोलेंगे भाई 6 मीटर बाय 6 मीटर का था अपना, तो दोस्तों ये जो है ये जो इतना जो डिस्टेंस हमने निकाला था ये हमारा निकला था 3 मीटर। ओके, जो हमारा जो डेक निकला था, ओके, ये जो डेक का डिस्टेंस जो निकला था ये हमारा निकला था 3 मीटर। तो हमको जो लेंथ लेनी थी, जो हमको जो पैसेज प्रोवाइड किया गया था जिसके लिए हमको डिजाइन करना था, तो 6 बाय 6 मीटर दिया था। तो हमारा 6 बाय 6 डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है और हमारा जो डेक निकला वो कितना था 3 मीटर। तो हम इतने में से हमने सिर्फ यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस 3 मीटर लिया और यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस 3 मीटर लिया, तो रिमेनिंग बचा कितना हमारे पास, हमने यहाँ से 1.5 माइनस किया, हमने यहाँ से 1.5 माइनस किया, तो हमको मिला ये रिमेनिंग 3 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हमने उसको निकाला। आप अगर पहला वीडियो देखेंगे तो आप उसमें पार्ट नंबर 1 में समझ जाएंगे। ओके, नाउ दोस्तों अभी आप यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग देख सकते हो। जब भी आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, ओके, ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं डायग्राम में बता देता हूँ, ये है आपका स्लैब, ये आपका आ रहा है लोड। तो इस लोडिंग सॉरी लोडिंग इस तरीके से, तो इस लोडिंग के हिसाब से जब आपका स्लैब डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो आपका स्लैब इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, राइट, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन के हिसाब से मान लो यहाँ पे कौन से फोर्स आएंगे, यहाँ पे आएंगे कंप्रेशन फोर्स, और यहाँ पे कौन से फोर्स आएंगे, यहाँ पे आएंगे टेंशन फोर्स। तो ऊपर आएगा कंप्रेशन, नीचे आएगा टेंशन, ठीक है। और कॉलम स्ट्रिप पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉलम हेड इसलिए प्रोवाइड किया गया था डेक इसलिए प्रोवाइड किया गया क्योंकि डेक वहां पे कॉलम हेड पे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट 49% आते हैं एज पर द आईएस कोड 456 के हिसाब से। ओके, तो इसलिए वहां पे जो निगेटिव रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करने वाले 16 डायमीटर 300 mm सेंटर टू सेंटर का, वो आप कहां प्रोवाइड करेंगे, एट द अपर साइड प्रोवाइड करेंगे। ओके, मतलब डेक की जो लाइन है उसके हिसाब से। ओके, आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो, थोड़ा फुल फोकस करके दिखाता हूँ। ओके, तो क्या करेंगे, सिर्फ इतने ही डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, सिक्स जो निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के जो रेनफोर्समेंट आया वो प्रोवाइड करेंगे। और रही बात पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की, ठीक है, तो पॉजिटिव जो रेनफोर्समेंट है आपके, वो आपके पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम यहाँ से लेके पूरा स्प्रेड, मतलब पहले यहाँ तक प्रोवाइड करेंगे, फिर यहाँ से इसके सेंटर तक, मतलब ये जो सेंटर है, ठीक है, इसका जो सेंटर है सेंटर टू सेंटर तक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर ये है ऊपर से, अभी ये तो हो गया मेन बार, ठीक है, अभी जो हमारे मिडल स्ट्रिप में रहेंगे, ठीक है, ये 10 mm के कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस डायरेक्शन में प्रोवाइड रहेंगे, ठीक है, जैसे आप ऊपर देख सकते हो, जैसे ये जो है, ओके, ये जो है ये हमारे 10 mm के बाहर है, ठीक है, 10 mm के बाहर है, और ये जो है जो कि इस साइड से दिख रहे हैं पैरेलल में जो दिख रहे हैं हमें, तो ये है हमारे 12 mm के बाहर, ठीक है, दिस इज व्हाट आवर 12 mm बार, ठीक है। और जो हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ओके ये हमारे 16 mm के डायमीटर के बारे जो टॉप में प्रोवाइड करेंगे सन में आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है फ्लैट स्लैब की, ठीक है, फ्लैट स्लैब में
जो मेन रेनफोर्समेंट जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं टॉप में प्रोवाइड करते हैं सिर्फ डेक पे दोनों साइड में, जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए तो सेंटर टू सेंटर तक प्रोवाइड करते हैं, पहले सेट यहाँ से एज से लेके सेंटर तक प्रोवाइड करेंगे, फिर सेंटर से लेके इधर प्रोवाइड करेंगे, फिर इधर से लेके इधर बीच में रखेंगे गैप, ओके। और उसके बाद जो हमारे मिडल स्ट्रिप के लिए रहते हैं वो पूरे ट्रांसवर्स प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉलम फ्लैट स्लैब का रिइंफोर्समेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके, ठीक है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा, फिलहाल मेरी एग्जाम 29 दिसंबर को खत्म होने वाली है, उसके बाद आपके लिए बहुत सारे वीडियो जरूर आएंगे। तो होप यू लाइक इट, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।